मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ कई सालों से, पर मैंने इतना डराने वाला केस शायद ही कभी देखा है। एक 16 साल की लड़की, उसको सड़क पर, बीच सड़क पे सब लोगों के सामने 40 से 50 बार चाकू से मारा गया और उसके बाद ईंट मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई। कितना बेरहमी से उसको मारा गया, ये सारा का सारा सीसीटीवी वीडियो फुटेज में कैप्चर हुआ है। और उस वीडियो में ये भी देख रहा है कि जब वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, तो कई सारे आदमी और महिलाएं सड़क के पास से गुजर रहे हैं और कोई पलट के भी नहीं देख रहा। तो दिल्ली एक बहुत ही ज्यादा असुरक्षित जगह है महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, और साथ में दिल्ली बहुत असंवेदनशील भी हो गई है। ये क्यों हो रहा है? मैं ये मानती हूँ कि आज दिल्ली में किसी को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि वो किसी भी महिला के खिलाफ, किसी भी बच्ची के खिलाफ कुछ भी कर देंगे, घिनौना से घिनौना अपराध कर देंगे और कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसको बदलने की जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, तुरंत एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग बुलाए जिसमें देश के होम मिनिस्टर हों, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे उन्हें रिपोर्ट करती है, LG साहब हों, मुख्यमंत्री हों, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हों और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हो। हर दिन दिल्ली महिला आयोग के पास कम से कम 6 रेप केसेस आ रहे हैं, लड़कियों को बुरी बुरी तरीके से मारा जा रहा है और ये कब तक चलता रहेगा? अगर अब कुछ नहीं करा गया तो लड़कियां ऐसे ही मरती रहेगी। अभी दिल्ली पुलिस ने, आप आए दिन ऐसे मामलों को लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर दिए हैं, लेकिन उसका कुछ असर होता दिखता नहीं है, क्या लगता है आपको कड़ी कदम उठाए जाने की जरूरत है? जिस दिन इस देश की पुलिस व्यवस्था सुधर जाए, उस दिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि किसी भी लड़की या महिला के खिलाफ कुछ भी कर जाए। आज जो हो रहा है वो पूरा तरीके से एक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर दिल्ली में दर्शाता है, और इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि एक हाई लेवल कमेटी होनी चाहिए। पहले अंजलि हुई, उसके बीच में और तब से लेकर अब तक पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ किस किस तरीके के क्राइम्स हुए हैं। जब तक सरकार इसके ऊपर जागेगी नहीं, तब तक बच्चियां इसी तरीके से मरती रहेंगी। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। हर हाल में सजाएं होनी चाहिए, तुरंत सजाएं होनी चाहिए, प्रोसेस द्वारा सजाएं होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए, तब जाके क्रिमिनल्स में एक डर बैठेगा। आपको लगता है इसमें जन जागरूकता की भी जरूरत है, क्योंकि कई लोग वहां से गुजरते हुए दिख रहे हैं, किसी ने कुछ हलचल भी किसी में नहीं दिखाई दे रही है, कोई बोल भी नहीं रहा कि ये क्या कर रहे हो तुम। जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ एक बहुत असंवेदनशीलता हो गई है और लोगों के अंदर बहुत डर है। लोगों को ये लगता है कि अगर किसी की मदद कर दी तो पता नहीं उल्टा क्या हो जाएगा, लेकिन मैं इन लोगों से सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि रात में सोते कैसे होंगे? उस लड़की की इतनी चीखें जब सुनाई दी और आपने पलट के भी नहीं देखा, आपने उसकी मदद करने की कोई कोशिश नहीं करी और घर जाके सो गए, तो ऐसी जिंदगी का भी क्या फायदा।